प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। 3 दिसंबर विश्व विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन लखनऊ में विकलांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगों ने काला दिवस मनाया। परिवर्तन चौक पर सैकड़ों की संख्या में ये दिव्यांग जमा हुए और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इनमें मूक बधिर दिव्यांगों के साथ एक ट्रांसलेटर भी था जो उनकी बात मीडिया के लोगों तक पहुंचा रहा था और मीडिया की बात समझकर उन लोगों को बता रहा था। पूरे प्रदेश से दिव्यांग अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अपनी मांगों को लेकर उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 2011 में मूक बधिर दिव्यांगों की भर्ती का अभियान चलाया गया था, मगर 10 वर्षों से कोई नई भर्ती नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने बताया कि मूक बधिर दिव्यांगों के लिए एक बड़ी समस्या है कि नकली दिव्यांग सर्टिफिकेट अधिक बन रहे हैं, जिससे दूसरे लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, मगर जो दिव्यांग हैं उन्हें इनका फायदा नहीं मिल पा रहा है। 5 सूत्री मांगों को लेकर दिव्यांगों ने दबी जबान में सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का प्रयास किया। प्रदर्शन ये कर रहे हैं कि हर साल विश्व विकलांग दिवस बनाया जाता है, लेकिन विश्व विकलांग दिवस पे सरकार हम लोगों के लिए कुछ नहीं करती है। इसलिए हमारे सभी साथियों ने और हमने ये निर्णय लिया है कि विश्व विकलांग दिवस को हम लोग काला दिवस मनाएंगे। मांगे ये हैं कि सरकार हम लोगों के लिए एक पेंशन एक राष्ट्र करे, क्योंकि 5,000 रुपये पेंशन दी जाए, क्योंकि 500 रुपये में हम लोगों का जीवन यापन नहीं हो पाता है। और सरकार को चाहिए हम लोगों को हर वो सुविधा दे जो सरकार बना रही है, लेकिन सिर्फ कागज़ों पे सुविधाएं बनाई जा रही हैं, हम लोगों तक कुछ नहीं पहुंच रही हैं। इसलिए हम लोगों ने आज ये अपनी मांगों को लेकर एक प्रदर्शन किया है। आज विश्व विकलांग दिवस है, हम लोग विश्व विकलांग दिवस ना मनाकर काला दिवस मना रहे हैं, क्योंकि सरकार जब विकलांगों के लिए सोच ही नहीं रही है तो ये विश्व विकलांग दिवस होने का फ़ायदा ही क्या है। हम लोगों की ये मांगे हैं कि हम लोगों को रोज़गार दिया जाए, ना कि भीख दी जाए। 500 रुपये पेंशन, कोई पेंशन नहीं होती है, जहाँ सब 5,000 रुपये मिल रही है तो हर सरकार देती है तो ये क्यों नहीं देती है। और महिलाओं को जानते हैं कि कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक महिला जो है विकलांग ना होकर के, और हम लोग विकलांग हैं, कहीं आने जाना होता है तो हम लोगों को कितनी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है। मेरा नाम तनिष सिंह है, मैं इनसा ट्रांसलेटर हूँ। इन ये लोग यूपी में ही हैं, लखनऊ कामपुर से लोग आए हैं, और इन लोग की माननी ये है कि जो इन लोग को 2011 से नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं, और इन लोगों की दूसरी मांग ये है कि जो इनके फेड सर्टिफिकेट बनते हैं डेफ के, वो बंद होने चाहिए, और इन लोग को समाज में एक जैसा ही प्रेम और इज्जत मिलनी चाहिए। प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।